क्या हाल है भैया आप लोगों का? मैंने अर्ज किया था कि बाकी जिंदगी की हमने तीन अदवार किए। एक दौर तो वो था जो आपकी पैदाइश से पहले का दौर जिसको कहें, और वो उसका मकसद ये था कि उन हालात और उन वाकयात को सामने रखा जाए जिसमें आपकी पैदाइश हुई है, और ख़ानदानी पस मंज़र और सारी चीज़ें वो सारी आपके सामने तफसील के साथ आ गई। दूसरा दौर था आपकी पैदाइश से लेकर 40 साल की उम्र तक का ज़माना, उसके अहम वाक़यात, उसमें क्या पेश आया, कैसे हुआ, वो भी आपके सामने आ गया। अब दो दौर हैं आगे, एक आपकी बैसत से लेकर हिजरत तक का ज़माना, और दूसरा हिजरत से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक का ज़माना। ये 23 साल का कुल अरसा है, जिसमें से तकरीबन पहले 13 साल मक्का मुकरमा किए और अगले 10 साल मदीना मुनव्वरा किए। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरतों को देखा जाए और आपकी सवान उम्रियों को पढ़ा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ही अल्लाह ताला ने एक और तरीके के साथ चलाया है, और उसमें जिस पहलू को आप ख़ास तौर पर गौर करेंगे और देखेंगे वो ये है कि आपको इसमें एक उम्मत बनती हुई नज़र आएगी। ख़ास आपकी मेहनत का मैदान ये नज़र आता है कि एक उम्मत को अल्लाह जल्ल शानू, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के नतीजे के अंदर एक उम्मत बाकायदा बन रही है। हमारे पास जितने बाकी नबियों की मेहनत अपने अपने तौर पर अपने तरीके पर है, लेकिन हमारे सामने जैसे बाज़ अम्बिया की सवान उम्रिया है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की है, या हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की है, या बाकी हज़रात की है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा ये चीज़ नज़र नहीं आती है। ईसा अलैहिस्सलाम की भी है और उसका तर्ज ज़रा सा और है, और इसीलिए उन नबियों के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद बाज़ सूरतों में, ख़ासतौर पर सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बहुत थोड़े अरसे के बाद उनकी किताबों के अंदर तहरीफ शुरू हो गई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नबूवत की करामतों में से एक ये भी है कि आपके तवील अरसे के बाद भी, यानी अब देखें अब 1400 साल गुजर चुके हैं इस वक्त भी, और ये बहुत बड़ा अरसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो तकरीबन 450 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, और उससे सैकड़ों साल पहले उस कौम ने जो है वो किताब बदल दी थी। नबी की ज़िंदगी महफूज नहीं रखी, वो लोग जो हिवारी कहलाए या नबी पर जान निछावर करने वाले जो लोग, वो ऐसे लोग जो उनकी उनकी बातों को बहुत लंबे अरसे तक के लिए महफूज रखते हैं, याद रखते हैं, वो आपको बहुत यानी जो महफूज सीरते हैं उसमें नज़र नहीं आते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के लगभग हो रही है, और उसमें वो ख़ास तारीख़ी दिन आता है जिसमें आपकी आपको पहली वही आती है ग़ार हिरा के अंदर। तकरीबन तकरीबन इस पर मुहद्दिसीन का और असहाबे सीरत का और क्या कहना चाहिए मुफस्सरीन का इत्तेफाक नज़र आता है कि पहली वही जो है वो इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी ख़लक़ ही है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि नहीं, पहली वही जो है वो या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्दिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर तक है, लेकिन ये तादाद है बहुत थोड़ी ऐसा कहने वालों की। बुखारी शरीफ की रिवायत है, इमाम बुखारी ने अपनी किताब को शुरू ही इस रिवायत से किया है, और उसका उनवान रखा है कई फकान बद उल वही, आप पर वही किस तरीके से आ रही, आप पर तकरीबन 8 तरीक़ों से वही आती थी। अल्लाह ताला का जो पैगाम था जो आपके पास आता था वो 8 मुख्तलिफ तरीक़ों से आता था।
लेकिन उसमें से एक तरीका, अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ये भी फरमाया कि मेरे ऊपर उसमें से सबसे शाक तरीका कौन सा तरीका ऐसा होता है सबसे मुश्किल होता था। ये मुश्किल क्यों होता था? इसलिए कि वही जो है ये अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम है, और इसको इस दुनिया से इंसानों की दुनिया के साथ इसको यानी ये आखिरत की एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसानों की दुनिया के साथ मुनासबत नहीं है। तो जब ये इंसानों की दुनिया में आती है तो और जिस इंसान पर उतरती है तो उसको वसूल करने के अंदर उसको लामहाला तकलीफ होती है, क्योंकि इस दुनिया की चीज़ है नहीं, वो एक और दुनिया की चीज़ है। वो तो फिर वो यूँ समझे कि हुजूर के जबान मुबारक से इरशाद फरमाने के बाद जाकर वो बाकी इंसानों के लिए इस काबिल हो जाती है कि वो इंसानी चीज़ बन गई। अब वो एक इंसान, यानी यूँ समझे कि एक गैर इंसानी चीज़ जिस पहले इंसान के ऊपर आएगी तो उसको तो जब मिली तो वो गैर इंसानी चीज़ थी, उससे फिर जब निकली तो वो इंसानी हुई, यानी आपकी ज़बान से जब निकली। इसलिए आज मैं और आप आराम से उसको पढ़ लेते हैं, हमारे ऊपर वो कैफियत नहीं तारी होती जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी होती थी जिस वक़्त वही आया करती थी। ये रिवायत, ये बाब है जो इमाम बुखारी ने बांधा है अपनी किताब सही अल बुखारी के अंदर, उसका नाम है कई फकान बदउल वही, वही कैसे आया करती थी। रिवायत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की है कि आप फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुब्बिबा इलैहिल खल, आपको खलवत महबूब हो गई थी। और ये होता है, जाहिर बात अब देखें कि आदमी का एक आलम बाला से ताल्लुक होने वाला है, तो आलम बाला से जब उसका ताल्लुक होने वाला है तो इस दुनिया से उसके ताल्लुक में कमी तो आएगी, तो आपको खलवत तन्हाई पसंद होती थी, आप वहाँ जाते थे। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपको तोशा दे दिया करती थी, कुछ दिन का खाने पीने का सामान दे दिया करती थी। आप वहाँ बैठे हुए थे, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने आपसे कहा कि आपने उनको, ये आपकी पहली मुलाकात है, उससे कहा कि इकरा, आपने फरमाया कि बा अरबी कारिन, उन्होंने फिर कहा कि इकरा, आपने फरमाया बा अरबी कारिन, मैं कारी नहीं हूँ यानी पढ़ नहीं सकता हूँ। फिर उन्होंने इसे 3 दफ़ा कहा, पकड़ते थे, भेजते थे, छोड़ते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, खलक अल-इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुक अल-अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल-इंसान मा लम यअलम। और ये रिवायत, ये आयात आई तो आपके ऊपर उसकी दहशत तारी हुई। एक तो पहला तजुर्बा था, जिब्राइल को पहली दफ़ा देखा था। ये वाक़या जो है रमज़ानुल मुबारक का है, और ईसवी यानी कमरी हिसाब से उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो कोई 39 साल 3 महीने, यानी 35 साल कमरी हिसाब से, और ईसवी हिसाब से आपकी उम्र जो थी वो 40 नहीं, ये थी उसके हिसाब से, सूरज के हिसाब से, शमसी हिसाब से, और कमरी हिसाब चूंकि उससे ज़रा उम्र ज़रा बंदे की ज़्यादा हो जाती है कमरी हिसाब में, तो वो 40.5 साल बनती है उस हिसाब से, तो सूरज के हिसाब से इसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें आपने घर तशरीफ लाए, खदीजा को कैफियत सुनाई। बाज़ रिवायात के अंदर आता है आपने फरमाया ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, बाज़ में आता है दस्सिरूनी दस्सिरूनी। इसी ज़म्बिलूनी और दस्सिरूनी से या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर बना है, और दोनों का मतलब एक ही है, कमली में लिपटने वाले, चादर पे लिपटने वाले, जो जिस तरह इंसान किसी कैफियत से गुजरता है तो उसके ऊपर जो कुछ। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी होशियार खातून थी, एक तो उन्होंने आपको तसल्ली दी, दूसरा उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई गैर मामूली वाक़या है। देखिए खदीजा ने दो अजीब काम किए दोनों, एक तो आपको जो तसल्ली दी वो बड़े अच्छे अल्फाज में दी, मैं आप लोग को सुना चुका हूँ बार बुखारी शरीफ की रिवायत। दूसरा उन्होंने ये किया कि आपको अपने चचाजाद भाई वरका इब्न नौफल के पास लेकर गई, और क्यों लेकर गई? माहौल मक्का मुकरमा का आपके सामने सारा मुशरिकाना माहौल है, आसमानी किताबों से वही से किसी को कोई मुनासबत नहीं। वरका एक वाहिद आदमी थे उस पूरे माहौल के अंदर जो ईसाई हो गए थे और ईसाइयों के राहिब से थे, और वो कुछ इंजील वगैरह भी लिखा करते थे खुद अपने हाथ से, और बड़े नेक आदमी थे और बहुत बूढ़े थे, इतने बूढ़े थे कि सीरत निगारों ने लिखा कि नाबीना हो चुके थे बुढ़ापे की वजह से। तो उनके पास लेकर गई और उनको जाकर कहा कि अपने जज्जाद भाई थे,
उनसे कहा कि ये देखें आपके भाई के ऊपर क्या कैफियत आई और ये बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी वजह से। वरखा ने कहा क्या हुआ, आपने उसको अपनी कैफियत बताई कि ये हुआ। वरखा कहने लगे कि ये तो वही नामूस अकबर है जो मूसा पर नाजिल हुई थी, ये तो वही चीज़ है जो आपके ऊपर आई है। तो काश के मैं जिंदा होता तो मैं आपका साथ देता, काश के मैं जिंदा होता रहता तो मैं उस वक्त आपके साथ होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। तो उस दूसरे ने पूछा मेरी मेरी कौम मुझे निकाल देगी? कहा आपकी कौम आपको निकाल देगी, आपकी कौम आपको अपने अपने से वो करेगी, और काश उस वक्त मैं जिंदा होता तो मैं आपका साथ देता। उसको शायद अंदाजा हो गया था कि मेरी क्या कहना चाहिए, मेरी उम्र इतनी नहीं होगी। अच्छा, इसको आप इस से अंदाज़ा लगाए कि इससे पता चलता है कि उस ज़माने में कुछ ना कुछ ईसाई राहिब ऐसे ज़रूर मौजूद थे जो दीन ईसवी की जो सही शक्ल थी उस ज़माने में, क्योंकि वो जो मैंने आपको पिछला वाक़िया वो अब्दुल मसीह का बताया था, और वो जो अपने वो भी अपने मामू के पास गया था ना, बहरा नहीं, क्या नाम था उसका, सतीह के पास लेकर गया था, वो किसरा को जो ख्वाब आया था, किसरा ने जो बंदा भेजा था, तो उसने भी यही सारी बातें, उसने भी दुरुस्त बातें बताई थी। वरका इब्न नौफल की बातें भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो उसके बाद फिर खैर क्या हुआ कि आप वापस आए और आपको वही का इंतज़ार शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया। अच्छा, वही आना कुछ दूसरी वही जल्दी नहीं आई, और इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर जो आपकी कैफियत का जिक्र आता है वो भी एक रिवायत के अंदर आता है कि आपने फरमाया कि मैं जा रहा था, और इस वही की एक दफ़ा आप उसके बाद सिलसिले के बंद हो जाने, तो जिस तरह एक बंदा इनकबाज़ का शिकार होता है, तो फरमाया कि मैं मक्के के पहाड़ों पर था और मेरे दिल में आया कि मैं अपने आप को किसी पहाड़ से गिरा कर अपने आप को ख़त्म कर, इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर। इसलिए सूफिया ने ये जो दो कैफियात होती है, एक को कब्ज़ कहते हैं एक को बस्त कहते हैं, हर इंसान पर आती है, आप पर भी आती होगी। वो ये होता है कि बाज़ दिनों में आपकी कैफियत हो जाती है कि आप किसी काम करने को दिल नहीं चाहता, किसी नेक काम करने को दिल नहीं चाहता, और बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं चाहता, और कोई और जिक्र इसका तस्बीह तिलावत से तो बिल्कुल तबीयत बंद हो जाती है। इसको सूफिया की इस्तेलाह में इसको कब्ज़ कहते हैं या इनकबाज़ कहते हैं, और एक कैफियत होती है उसको बस्त कहते हैं, बस्त कहते हैं खुल जाने को, तबीयत अभी खुल जाती है, नेकी कामों का भी दिल चाहता है, और हफ्ते एतवार को सुबह सबक पढ़ने का भी दिल चाहता है और अपने सारे काम करने को दिल चाहता है, इसको बस्त कहते हैं। हजरत सूफिया इनकबाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत के साथ भी जोड़ते हैं कि आप पर भी तारीफ हुई थी ये चीज़। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सुलूक के मुजद्दिद हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे ऊपर भी तारी हुई थी और मुझ पर भी खुदकुशी की कैफियत की तरफ रगबत हो रही थी कि मैं खुदकुशी करूँ। कहते हैं मेरे ऊपर एक कैफियत थी, तो एक कोई एक खान साहब उन दिनों मुझे मिलने के लिए आए और उनके हाथ में बंदूक थी, और कहते हैं मेरा दिल बार बार चाहता था कि मैं उनकी बंदूक लेकर अपना काम तबाह करूँ। तो ये कैफियात इंसान पर आती है। तो आपने फरमाया कि जब मैंने ये चाहा तो मैं चलने लगा और एक पहाड़ के जिस तरह मैं किनारे की तरफ जाने लगा, चल भी पड़ा इसी ख्याल से। कहते हैं जैसे ही मैं पहाड़ के किनारे करीब पहुंचा तो इतने मुझे एकदम सामने उफक की तरफ से मैं देखा तो जिब्राइल अमीन वहां पर खड़े हुए और उन्होंने सारे उफक को उन्होंने घेरा हुआ, और मुझे देखकर कहते हैं कि मैं जिब्राइल हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आप अल्लाह के रसूल है। कहते मैंने जिब्राइल को देखा और मैं यूँ देखता चला गया कि जहां मैं देखूँ जिब्राइल ही जिब्राइल है। तो कहते हैं कि और अच्छा, और वो कहते हैं और वो इंसानी शक्ल के अंदर है, और कहते हैं मैं उनको देखने लगा और मैं जब यानी इस चीज ने मुझे उस मेरे इरादे से गाफिल कर दिया जिसकी तरफ मैं गया था कि मैं इस पहाड़ से अपने आप को नीचे फेंक दूंगा। और कहते हैं कि अब मैं खड़ा रहा वहां और बहुत उसके अंदर देर हो गई, बहुत देर हो गई भाई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला परेशान हो गई, वो वैसे भी आपकी इस पहली वही के बाद से जो आपकी कैफियत थी खदीजा, इस सारे अमल के अंदर आपके साथ साथ आप जो खदीजा रजी अल्लाह तआला के इतने कायल थे,
हद से ज्यादा जब उनका जिक्र आता था या उनकी याद आती थी। ये वो वक्त था जिसके अंदर आपको बड़ी शदीद किस्म की एक सपोर्ट की जरूरत महसूस होती थी, वो उन्होंने बड़े जोर से दी। तो कहते हैं उसके बाद में आ गया और कहते हैं कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि रिश्ते के अंदर आपकी एक तरह से चचा की बेटी बनती थी, इसलिए वो कभी कभी आपको ओ चचा के बेटे भी कहा करती थी। ऊपर जाकर आप दोनों का रस्म इकट्ठा होता है ना, तो कहते हैं मैं वापस आया, बहन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रान पर अपना सर रख कर लेट गया। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आज फिर इस तरह हुआ है। तो मुझे कहती है कि चचा के बेटे उबारा को मुझे लगता है कि आप अल्लाह के नबी हैं, ये जो आपको सारा कुछ आई, आप इनशाला आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला आपसे काम लेगा और अल्लाह ताला आपको इस पे, उन्होंने अपने तौर पर उनकी जितनी उनकी तसल्ली थी और वो थी। इसके बाद कहते हैं कि दीगर रिवायात ये पता चलती है कि जब आप फरमाते थे तो कि जब भी वही नहीं आती थी लेकिन और वही की बंदिश जब तूल पकड़ लेती थी तो आपको परेशानी होती थी और आप पहाड़ों पर, जिनके गार हिरा में पहली वही आई थी, आप फिर पहाड़ों पर जाते थे। तो कहते हैं कि वही तो नहीं आई अल्लाह का पैगाम, लेकिन जिब्रील अमीन कई दफा आकर आपको तसल्ली देकर गए उस हालत के अंदर कि वही आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी। उसके बाद जो दूसरी वही के बारे में सीरत निगार कहते हैं कि वो फिर आई है, तो वो ये आई मुद्दसर कुम फिर वरबक फकबर व सियाबक फ़ाहिर। इसके अंदर पहली वही के अंदर तो आप देखें तो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलक अल्लाह ताला की बड़ाई है। दूसरी वही जो आई है इसके अंदर कुम फअंदिर, क्या करें अब आप खड़े हो जाए और आपने क्या करना है, अब आपने लोगों को दावत दे दी। अच्छा दावत के बारे में आता हूँ आगे, क्या बात है, पहले वही की अकसाम मैंने आपसे जिक्र की थी कि 8 तरीके के ऊपर वही आती थी। 8 तरीके पर जिस पर वही आती थी उसमें से पहला तरीका यह था कि आपको सच्चा ख्वाब आता था, वो ख्वाब सच्चा साबित होता था, सच्चे ख्वाब वैसे भी नबूवत का हिस्सा करार दिए गए तो आपको आया करते थे। दूसरा ये कि फरिश्ता आपको दिखाए बगैर, यानी आपको दिखलाए बगैर फरिश्ता जो है वो आपके दिल के अंदर बात डाल दिया करता था, है ये दूसरा तरीका। एक तो सच्चा ख्वाब है, ये दूसरा तरीका। दोनों किस्म की होती थी वही, बात चीजें वही की ऐसी भी जिसके अंदर आपको कुछ चीजें बताएगी वो कुरान का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला का पैगाम वही कहलाता है और वो आप पर आया करता था मुख्तलिफ तरीकों के साथ, और वो आपके अलावा किसी नबी पर आए तो भी नहीं वही कहलाता है। जैसे वह अवहैना इला उम्मे मूसा वह किस तरह कुरान नहल और क्या है इला नबल, तो ये चीजें वही कहलाती है, अल्लाह का पैगाम वही कहलाता है चाहे वो किसी किताब का हिस्सा बने या न बने। तीसरा तरीका यह था कि फरिश्ता जो था वो आदमी की शक्ल के अंदर आपको आकर वही कह, ये जो हम लोग जुमे के खुतबे के अंदर एक रिवायत पढ़ते हैं अला व इन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकबिल रिज़्क़हा फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब व तवक्कलू अलैह। आपने यही फरमाया कि ये मेरे दिल के अंदर डाली गई ये बात, ये इसी दूसरे तरीके वाली वही पर आई थी ये बात, इल्का दिल के अंदर, फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आता था। चौथा तरीका आपका ये था कि आपके वही आती थी ऐसे जैसे घट्टी की टन टन होती है, पहले एक ऐसी घट्टी की तरह की आवाज आती थी और उसकी शब्द नहीं मालूम होती थी। वैसे भी घट्टी की आवाज की शब्द मालूम करना बड़ा मुश्किल है, ये हमारे यहाँ भी इतवार की सुबह सुबह कभी आपने देखा गिरजों की घंटियां बजती हैं तो उसमें वो नहीं होती, सिर्फ नहीं पता चलती। इस सूरत में घंटी की सूरत के अंदर पहले घंटी की आवाज आती थी उसके बाद फरिश्ता आता था। अच्छा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी रिवायत के अंदर भी यह है कई प्रकार बदुल वही के बाब में जो आई कि आपने फरमाया कि ये सबसे सख्त सूरत होती थी, ये अगर मुझे शदीद तरीन सर्दी के अंदर भी जाड़ो, जिसको जाड़ा कहते हैं कि जाड़ों में भी ये वही आती थी तो मैं पसीने से शराबूर हो जाता था, हुजूर फरमाते ये वही की बड़ी सख्त तरीन सूरत थी। जी जी और अगर आप किसी ऊँटरी पर बैठे होते तो ऊँटरी, ये जो हम जो वही की जो किस्से बयान करते हैं जिस तरह ये जिब्राइल जो गारे हिरा में आए या वो जो
اونٹنی پر آپ کی روایت آئی ہے قل جا الحق و زہق الباطل والی، یا حضرت زید ابن ثابت کی ران والا قصہ جو سناتے، یہ ساری وہ والی وحی ہے جو آپ کے اوپر سخت ترین وحی آتی، اس سے پہلے ایک گھڈی کی آواز آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ چوتھی یہ کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں بھی آتا تھا جو اس کی پیدائشی شکل ہے۔ پانچویں شکل یہ، اچھا وہ وحی کی ایک وہ صورت ہے جو معراج کے اندر آپ کو پیش آئی ہے، جس کے اندر آپ آسمانوں پر گئے تو وہاں پر وحی آئی ہے، آپ کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہے۔ جی جی چھٹا، ساتویں صورت وہ ہے جب اللہ جل شانہ فرشتے کے واسطے کے بغیر، بی وراء الحجاب جس کو کہا گیا، بی وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے اللہ جل شانہ گفتگو فرماتے لیکن سامنے وہ نہیں، وہ ہے دیکھے بغیر۔ آٹھویں صورت جو ہے وہ ذرا اختلافی ہے، اس کے اندر شروع سے اختلاف چل رہا ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے بھی اللہ نے آپ سے گفتگو فرمائی ہے، بغیر حجاب کے، اس پر تھوڑا اختلاف ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر حجاب کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ نے کی ہے بات اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب کے۔ معراج کی رات جو وحی ہوئی ہے وہ اور طریقے، اس میں تو فرشتہ نہیں تھا، وہ بالکل ایک الگ طریقہ ہے جس میں یہ نماز کی فرضیت، آپ کا آنا پھر جانا، پھر نمازیں کم کرانا، 50 نمازیں اس کو 5 تک لانا، یہ ایک الگ طریقہ ہے جو آسمانوں پر ہوا ہے، اس کے اندر یہ مستقل طریقہ ہے معراج کی رات ہونے والی وحی۔ وراء الحجاب، مکی زندگی کو آپ 3 مراحل کے اوپر تقسیم کر سکتے ہیں۔ مکی زندگی پہلا مرحلہ ہے، اس کو آپ کہیں کہ پس پردہ دعوت، کہ پس پردہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا نہیں تھی وہ، جو شروع کے اندر آئی تھی بات چل رہی تھی، تو دوسری یہ پہلے 3 سال رہی ہے، یہ وحی آنے کے پہلے 3 سال پس پردہ دعوت رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کے اندر آپ نے کھلم کھلا دعوت دی ہے لیکن مکہ مکرمہ کے اندر ہی دی ہے، اور یہ سب نے اطراف کے اندر دی ہے، یہ 4th سال سے لے کر نبوت کے 10th سال تک یہ چلی ہے، یعنی اگلے 7 سال پھر اس طرح دی ہے۔ مکہ مکرمہ کے جو آخری 3 سال ہیں اس کے اندر آپ نے مکہ سے باہر بھی اپنی دعوت، مدینہ ادھر ادھر سے لوگ آیا کرتے تھے، آپ ان کو دعوت دیا کرتے تھے، یہ دعوت زیادہ تر جو ہوتی تھی حج کے موسم میں ہوتی تھی، حج کے اندر پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، آپ بھی ان کے درمیان گھومتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے، اہل مدینہ سے بھی جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے وہ تو حج ہی کے اس میں ہوئی ہے، دونوں سال، تینوں سال، وہی آخری 3 سال ہیں۔ اور آپ لوگوں نے یا ایو المدثر کے اندر پڑھ لیا نا کہ ولید ابن مغیرہ وغیرہ نے بھی حج ہی کے موسم کے اندر، سورہ مدثر تو سب نے پڑھ لی ہے نا، نہیں پڑھی کسی نے پڑھی؟ اچھا اچھا کون پڑھا تھا؟ ہم نے تو الحمدللہ سورہ قیامہ بھی پڑھ لی شام والے، اس کو اچھا، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا، فرمایا کیا، کیسے وہ آیتیں کہاں سے شروع ہوتی، جو ولید ابن مغیرہ کا جواب ہے، پڑھو یار سورہ مدثر پڑھے نا کوئی بندہ، ہاں ذرنی و من خلقت وحیدہ، ذرنی و من خلقت وحیدہ وجعلت له مالا ممدودا وبدین شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر۔ یہ اس کی بات ہو رہی، یہ لوگ حج کا موسم آ رہا تھا، مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ بھائی بات تو وہی ہے،
दो बातें होंगी, एक तो ये अपनी दावत चलाएंगे और ये ना भी चलाएं तो इनकी बात अब बाहर निकल चुकी है, लोग हमसे पूछेंगे कि क्या हुआ तुम लोग कबीले के, तो भाई एक साहब उठे ये दावा करते, तो आओ अपनी एक बात कर ले, क्या करें, एक बात तय कर ले आपस में इनके बारे में, अपने लोगों को क्या कहना है। किसी ने कहा कि शायर नहीं कह सकते क्योंकि अरब शायर शायरी से खूब वाकिफ है, और वो बता देंगे ये जब अपना कलाम पढ़ेंगे वो शायरी नहीं है, और वो शायरी के रमूज और अवकाफ से और शायरी के सारे उतार चढ़ाव से लोग वाकिफ है, ये जब पढ़ेंगे तो हमारी बात जो है वो नहीं चलेगी। किसी ने कहा काहिन कहे, कहा नहीं, कहा ना कि भी अपने उसूल और जवाबत है और वो भी लोग जानते हैं इसको कैसे, ये लोग ये बात भी इनके अंदर नहीं चलेगी। किसी ने कहा कि मजनून कह देते हैं कि पागल हो गया हमारे दरमियान, तो किसी ने कहा वो भी आसार इन पर नहीं है और वो इनकी बातें इतनी समझदारी की है, इतना ऐसा कलाम करते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल ही, तो ये भी नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने सारा सोच बिचारे का कि ये कहते हैं कि ये साहिर है, तो इस पर अल्लाह जल्ला शाहू ने फरमाया कि फ़कुतिल कई फ़कद्दर थुम्म कुतिल कई फ़कद्दर, कि खुदा ये बर्बाद हों ये लोग, कुतिला का मतलब यहाँ बर्बाद होने के माने, तबाह हों ये लोग, ये कैसी बात इन्होंने इन्होंने सोची नबी के बारे में, और कहा कि इन उस क्या है सिहर युअसर। अच्छा जी, फ़काल इन हाज़ा इल्ला सिहर युअसर इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर। और फिर इस पर अल्लाह ने फरमाया कि उसली ही सकर, यानी इनको मैं सकर के अंदर डालूंगा, जो जहन्नम का बड़ा गर्म तरीन दर्जा। अच्छा जी, ये हो गया जी। अब पहली पहला मरला हम इसके अंदर आते हैं कि जो कि पहला मरला है खुफिया दावत का, पहले 3 साल के अंदर। तो पहले मरले में जिन लोगों का इस्लाम है वो 4 लोग, और ये लोग शायद सारे के सारे वो हैं, तो जिन्होंने पहले दिन ही जब आपने उनको दावत दी है तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसमें हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और उन्हीं के आज़ाद करदा गुलाम है हज़रत जैद इब्न हारिसा, और उसके अंदर सईदा अली इब्न अबी तालिब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि औरतों में पहले ईमान लाने वाली खदीजा है, और बच्चों में अली है, और मर्दों में अबू बकर सिद्दीक है, और गुलामों में जैद इब्न हारसा है। आजाद करता थे लेकिन बाहर वहां पर ये 4 लोग। वो नहीं लाए इसलिए कि अभी तो आपको कुछ बरखा से जो मुलाकात हुई है तो आपको अभी दावत का पैगाम तो मिला नहीं था कि उसको दावत देते, आप तो खुद ये सोच रहे थे कि ये क्या है जो मेरे ऊपर आया, तो वो तो उस कैफियत में आपसे वर्का मिले थे, उसके बाद वर्का का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुख्सत हो गए। जी जी बस ईमान असल में एक दावत का नाम होता है, जिसके अंदर मतलब ये हो कि वो कहें कि हुजूर ने फरमाया कि ने कहा होता कि आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर मेरी रिसालत के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे मैं अल्लाह के नबी हूँ रिसालत, तो ये नौइयत तो उस वक्त तक आई नहीं थी, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो, लेकिन यह है कि अगर दावत अभी शुरू नहीं हुई थी और कोई बंदा अगर किसी पिछले दीन के ऊपर हो तो वो भी तो मुसलमान ही था ना उस जमाने के अंदर, जब तक नई दावत उसको ना मिली हो बाकायदा, तो उस वक़्त तक तो उसूलन हजरत अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुरुस्त तालीमात पर था तो वो भी मुसलमान था। जिस जगह तक दोनों चीज़ें थी, दीन इब्राहिमी को तो दीन फितरत कहा जाता था कि वो इब्राहिमी दीन, कुछ लोगों को देखिए हुजूर के अलावा बाकी नबूवतें ऐसे ग्लोबल तो थी नहीं कि मेरे को पूरी दुनिया तक पहुंची। ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत जहाँ तक पहुंची थी वहाँ दीन ईसवी उनकी तरफ मुतवज्जे था, जहाँ तक नहीं पहुंची थी तो वहाँ पर दीन इब्राहिमी ही कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे ये मुशरिकीन मक्का पे से कुछ आसार मौजूद। जी क्या कह रहा था, पीछे से कोई कुछ पूछ रहा था। जी अच्छा जी, इसके बाद उन लोगों के नाम बहुत ज़रूरी हैं जिनको आप जिनको कुरान साबिकून अल अव्वलून कहता है, ताकि आपको पता चले कि
ये वो लोग थे जो अव्वल वहले के अंदर ईमान लेकर आए हैं। इसमें सैयदना उस्मान है, हजरत ज़ुबैर है, अब्दुलरहमान इब्ने औफ है, साद बिन अबी वक्कास है, तलहा बिन उबैदुल्ला है। अब आप सोचें सारे अशरफ बशर हैं, सारे वो लोग हैं जिनको फिर बाद में जन्नत की बशारत। बड़ी बड़ी फजीलत है किसी आदमी का किसी भी काम की इब्तदा के अंदर उसके साथ हो जाना, क्योंकि किसी कामों के इब्तदाई ज़माने के अंदर मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं। उस वक़्त जो लोग साथ देते हैं वो मुश्किलात का ज़माना काटते हैं। फिर अल्लाह जल्ला शानहू की एक सुन्नत है कि कामों के अंदर क्या हो जाती है, आसानी पैदा हो जाती है। कुछ लोग उस ज़माने में आते हैं, आसानियों के ज़माने में आते हैं, तो जाहिर बात है कि आसानियों के ज़माने में आने वाले और मुश्किलात काटने वाले तो बराबर तो नहीं हो सकते। अच्छा, इन बिलाल हबशी भी हैं, ये भी शुरू ही के ज़माने में। उसके बाद फिर अबू बैदा इब्न जर्राह है, अबू सलमा है, और अरकम बिन अबिल अरकम है, उस्मान इब्न मज़ऊन है, और उनके भाई कुदामा और अब्दुल्ला है, उबैदा इब्न हारिस है, और सईद इब्न जैद है। ये सईद इब्न जैद वही है जिनकी अहलिया जो है वो उमर की बहन थी फातिमा बिन खत्ताब। खब्बाब बिन अरत है, और अब्दुल्ला इब्न मसूद है। ये कितने लोग मैंने आपको बता दिए, किसी ने लिखे हैं सारे? दोबारा से लिखे ना, ताकि एक बंदा लिखे हुए ताकि मैं गिनूं इसको। अशरफ अशरफ 12 नहीं होते यार, 10 होते। अच्छा, तो उसमें क्या कहते हैं, पहला नंबर हजरत खदीजा है, फिर हजरत खदीजा है, हजरत हजरत नहीं नहीं तरतीब से, फिर अबू बकर सिद्दीक है, अली मुर्तजा है, जैद इब्न हारिसा है, चार ये हो गए ना। अच्छा, उसके बाद उस्मान गनी है, ज़ुबैर है, अब्दुलरहमान इब्न औफ है, साद है, साद बिन अबी वक्कास, तलहा है, तलहा बिन उबैदुल्ला, फिर बिलाल हबशी है, अबू उबैदा इब्न जर्राह है, अबू सलमा बिन अब्दुल असद है, अरकम बिन अबिल अरकम है, जिनके घर दारे अरकम में इकट्ठे हुआ करते थे, है अरकम बिन अबिल अरकम। इसका मतलब क्या है, अरकम बिन अबुल अरकम? उनके वालिद का नाम अबुल अरकम था ना, ये अरकम थे तो बाप का नाम अबुल अरकम कहलाते थे, तो अरकम और अबुल अरकम इन्हीं की वजह से कहलाते थे ना, कि ये इनके वालिद थे, तो अरकम बिन अबुल अरकम, अबुल अरकम के अरकम जो अरकम के बाप का बेटा है। बस अरबों का एक तरीका था। उस्मान इब्ने मज़ऊन है, इब्ने मज़ऊन ये दूसरा उस्मान है। उनके दो भाई थे, एक कुदामा इब्ने मज़ऊन थे और अब्दुल्ला इब्ने मज़ऊन थे, मज़ऊन के तीनों बेटे। उबैदा इब्ने हारिस हैं, उबैदा इब्ने हारिस, ये हारिस कौन है, किसी को पता ये हारिस कौन है? नहीं, वो तो जैद बिन हारिसा है, ये हारिस है, है? ये कौन है? वो ज्यादा है, ये उबैदा इब्न हारिस बिन मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ, मुत्तलिब के बेटे, मुत्तलिब के बेटे थे हारिस, यानी हुजूर के चचा थे हारिस, ये चचेरा भाई हैं ये भी। उदामा अब्दुल्ला और सईद इब्न जैद हैं, ये हजरत उमर के बहनोई हैं, सईद इब्न जैद, सईद इब्न जैद, और उनकी बीवी हैं फातिमा बिनत खत्ताब और खब्बाब है, अब्दुल्ला इब्न मसूद। सर ये फातिमा इब्न खत्ताब बिनत खत्ताब भी पहले 3 साल में ईमान लाए जी? अरे भाई सारा पहला 3 साल यही दौर है ना, देखो ना जिसमें तो वो लोग उमर भी जो इस्लाम लाए थे पहले, उसी दौर का आखिर है, क्योंकि उसके बाद हज़रत उमर की आमद के साथ ही खुला खुला खिला शुरू हो गया।
خباب ابن ارت، ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن مسعود، یہ کتنے ہو گئے لوگ؟ عمر کو بھی نہ شامل، یہ تعداد، یعنی یہ 21 تو ہمارے پاس سیرت کی مستند کتابوں سے ان کے نام بالکل معلوم ہو جاتے ہیں، یہ تعداد سیرت نگاروں نے 40 کے لگ بھگ لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے، ان کا نمبر جو تھا وہ 41واں تھا، ٹھیک ہے نا، اور حضرت حمزہ کا نمبر 40واں کہلاتا ہے، اس سے پہلے یہ 39 لوگ تھے، یہ گنے ہیں باقاعدہ سیرت نگاروں نے، لیکن ان کے ناموں میں تھوڑا اختلاف ہے، ان 21 ناموں پر اتفاق ہے، یہ تو تھے ہی تھے، پھر باقی جو 19 نام ہیں ان میں مختلف نام آتے ہیں، لیکن وہ نام بھی آتے ہیں، 40واں نمبر حمزہ سید الشہداء حمزہ کا ہے، اسد اللہ و اسد رسولی، اور 41واں نمبر عمر فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کون؟ نہیں، چھٹا سال تو بس اس میں تھوڑے اقوال کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں اس کا کیا کہنا چاہیے تفسیری، یہ جو سیرت ہے اس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر تھوڑے بہت سنین آگے پیچھے ہوتے ہیں، ناموں کے اندر بھی فرق آتا ہے مختلف حضرات کے نزدیک. اچھا جی، حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکے وہ، انک لا تہدی من احببت وغیرہ آئے تھے، اسی وقت نازل ہوئی، جب آپ بڑے افسردہ ہوئے ان کی ایمان نہ لانے کے اوپر، اور اس کے اوپر بہرحال بعض حضرات بہت زیادہ اشکال کرتے ہیں دوسرے لوگ، اور اس پر بہت ان کی وہ ہوتی ہے. اچھا جی، اب وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں اس دوران نازل ہو رہی، مکی جو ابتدائی مکی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، آخرت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی مختلف، یہ نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز آئی ہے، لیکن یہ نماز ظاہر بات ہے ابتدائی اسلام کی نماز تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اکثر آپ نے دیکھا نا صبح و شام کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، کہ صبح کرو اور شام کرو، اللہ کا ذکر کرو، حکم تو تھا، وہ ذکر کس شکل کے اندر تھا، یہ جو کہا گیا تھا، یہ آیتیں بالکل شروع کے مکی زمانے کی آیتیں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح بھی کرے رات کو بھی کرے، تو یہ مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ یہ جو تھی یہ نماز تھی، اور لیکن اس وقت دو رکعت نماز صبح ہوتی تھی، دو رکعت شام ہوتی تھی، صبح دو رکعت پڑھی جاتی تھی اور دو رکعت شام پڑھی جاتی تھی، تم لوگ سوچ رہے ہو کتنا اچھا دور ہے، کہ اگر ابھی بھی ایسی ہوتا تو اس کے بعد پھر یہ نمازیں باقاعدہ، پھر وہ معراج ہوئی ہے، معراج کے بعد باقاعدہ ہوا، یہ حضور پر تو فرض تھی، صحابہ پر اس کی فرضیت ایسی، اصل میں وہی ہے کہ وہ جو نماز تھی نا اس میں اختلاف ہے، کہ جو نماز ہے یہ کس وقت میں تھی اور کتنی تھی، یہ جو نماز کے باقاعدہ آنے سے پہلے کی نماز ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہی مطلب، وہ ایک صبح جو تھی وہ صبح فجر تھی یا فجر سے پہلے تھی، اچھا بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز تھی اور یہ وہی فجر آنے سے پہلے، اس کو بعض حضرات تہجد بھی پھر کہا ہے، وہ تہجد کے وقت میں تھی چونکہ، تو وہ اس وجہ سے، بعض کہتے ہیں کہ یہ شام کو بھی ایک تھی، کوئی دو رکعت تھی، لیکن یہ چیز ہے کہ معراج سے پہلے اس پر سب کا اتفاق ہے قطعی طور پر کہ نماز تھی، لیکن کیسی تھی، کتنی تھی اور مقدار کتنی تھی، اوقات کیا تھے، اس کے اندر آراء مختلف. اچھا جی، پھر نہیں، پھر تو عجیب فرضیت تو نہیں، نبی پر تو فرض ہی رہتی ہے، کیسے؟ نبی تو تہجد تو ان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، کبھی وہ نہیں کرتے، نافلہ کا کئی مطلب لیے گئے، بعض رات اس کا مطلب ثواب سے بھی لیا گیا، آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث نافلہ اضافی ثواب کا. اچھا جی،
अब ये पहला दौर है, इस दौर के ये लोग हैं सारे के सारे, अलबत्त और बाकी कुछ नाम भी इसमें आ जाते हैं। इसके आखिर इस दौर के बाद जो शुरू नया दौर होगा तो उसके अंदर वो लोग ही मुसलमान हो गए, उम्र खत्ताब वगैरह, ये आजाद भी, हमजा वगैरह सारे। आपको फिर हुक्म आया वह अनदिर आशीरतकल अकरबीन के आप अपने करीबी लोगों को दावत दीजिए। ये वो मरला है जब आपने लोगों को जमा किया है, कुरैश के लोगों को जमा किया है, सब लोगों को जमा किया है, और वो जब कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से कोई आ रहा है, तुम क्या कहोगे? अगर आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, तो उस पर फिर कहते हैं कि ये जो पहली मजलिस है जिसके बारे में आता है कि आपने अपने कराबतदारों में तबलीग की है, तो कहते हैं आपने बनी हाशिम को जमा किया, पहले अपने अपने खास अपने कबीले को जमा किया, क्योंकि वो अनदिर आशीरत अगल अकरबीन करीब के उसको जमा कर। उनके साथ कहते हैं बनी मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ की भी एक जमात थी, वो भी आ गई। ये कुल तकरीबन 45 लोग थे जो आपने जमा किए। अभी आपने बात शुरू नहीं की थी, कहते हैं कि अगर अबू लहब ने आपकी बात उचक ली और उसने कहा कि देखो ये तुम्हारा कबीला है और ये तुम्हारे लोग हैं, और ठीक है अगर अव्वल तो ये भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे, अगर ये तुम्हारे साथ हो भी जाते हैं तो उसके नतीजे इस तरह की बनू हाशिम है, तादाद के अतबार से कम है, और ये हमारे कुरैश के दीगर कबाइल हैं, ये कहीं ज़्यादा तादाद के अतबार से ज़्यादा है, और ये बात जो है वो अगर निकलेगी तो इसमें ये इख्तलाफ पैदा होगा और फिर खून रेजी होगी, और तुम्हारा कबीला किसी अगर ये तुम्हारी बात मान भी ले सारे के सारे, ये तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते, और कबाइल तुम पर टूट पड़ेंगे और कुरैश के बाकी कबाइल टूट पड़ेंगे, दीगर अरब भी हैं, फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, फिर दीगर अरब भी उसके साथ हो जाएंगे, तो ये सारा तुम इतनी बड़ी एक आजमाइश को दावत दे रहे हो। उनको ये कहा तो कहते हैं ये इस अबू लहब ने ऐसी जोरदार तकरीर की कि इस मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई बात नहीं फरमाई, इसलिए कि उसमें बात का माहौल नहीं छोड़ा था। उसने एकदम ऐसी खौफनाक मंजरकशी की कि बस गोया कि अब खून की नदियां बहने लगी हैं और अब जो है ये लड़ाई होने वाली है। उसके बाद कहते हैं कि आपने उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा इन लोगों को जमा किया, इस पहली ये पहली मजलिस ऐसी ख़त्म हो गई, दोबारा जमा किया, और उसमें आपने फरमाया कि जिसमें आपके अल्फाज है कि सारी हमद अल्लाह ताला के लिए, सारी बड़ाई अल्लाह जल्ल शानों के लिए, उसी से मैं मदद चाहता हूँ, मैं उसी के ऊपर ईमान रखता हूँ, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ, उसी की मैं गवाही देता हूँ, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आपने पूरे तौर पर तौहीद का एक भरपूर पैगाम जो था वो तन्हा है, उससे कोई शरीक नहीं है। फिर आपने फरमाया कि जिस आदमी को अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अता फरमाए तो वो अपने घर के लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता, घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो तुम्हारी जानिब भेजा गया। यानी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमा दिया उनकी तरफ से। तो उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा तो उस पर उसके ऊपर जो है अबू तालिब ने कहा कि खड़े हुए, अब ये बात आपने की तो अब ये था कि रिस्पांस क्या आता है कौम की तरफ से, क्योंकि भरपूर तरीके से जन्नत का जिक्र किया आपने, जहन्नम का जिक्र किया, तो कहते हैं अबू तालिब खड़े हो गए और कहा कि बस तुम ना पूछो कि मुझे तुम्हारी मुआवनत किस कदर, तुम्हारी मदद करना मुझे कितनी पसंद है, और जो तुम ये बातें कर रहे हो, तुम्हारी नसीहत है, ये मुझे कितनी काबिल कबूल है, और मैं इसको कितनी कितना मैं इसको ठीक समझता हूँ तुम्हारी बातों को, कि तुम ये बातें करो, मुझसे तुम मुझे ये बताओ मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, हर जगह तुम मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाओगे, बस इतना है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने पर राजी नहीं हूँ, ये मुझसे ना समझो कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दूँ, बाकी तुम्हें भतीजे जो तुम्हें जो मदद चाहिए, तुम्हारी तारे जाने को टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें ये नहीं कर सकता। यानी अजीब अल्लाह ताला की शान है कि एक तरफ उनको भतीजा महबूब भी बहुत ज्यादा है, मोहब्बत भी उससे बहुत ज्यादा है, और क्या कहते हैं उसके साथ ताउन पर भी आ पाता है, लेकिन दिल बस कहते हैं ये अब्दुल मुत्तलिब का दीन मुझसे मत छुड़वाओ, ये जो हमें उसके ऊपर है, ये मैं इस पर, यही वजह बस उन बेचारों के दरमियान के अंदर बन गई कि वो ईमान ना ला सके, और लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
معاونت کرنے میں اور آپ کا ساتھ دینے کے اندر. اللہ تعالیٰ کی بس اسی پر تو جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ بہت دل گرفتہ ہوئے, آخری وقت تک ان کو کلمہ تلقین کرتے رہے. تو انہوں نے جب وہ بغیر کلمے کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت, کہ یہ نہیں یعنی ہدایت تو خالص ہم نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی. اور اس پر یعنی ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی شان سمدیت کا اظہار ہے اس آیت کے اندر, کہ نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہم جس کو ہدایت دینا چاہیں گے اس کو دیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ ایمان جو عطا فرمایا, کتنی یعنی حضور کی خواہش دیکھیں, ابو طالب کا 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 کام دیکھیں, ان کا تعاون دیکھیں حضور کے ساتھ ایسے وقت میں کھڑا ہونا, چاروں طرف مخالفت ہے, اپنے انہی کے ہم پلہ لوگ تھے یہ سارے کے سارے, یہ ابو لہب وغیرہ, ابو جہل, یہ وہ, یہ سارے یعنی اس مکی معاشرے کے اندر ابو طالب ہی کی طرح کے لوگ تھے, لیکن ان کے سامنے کھڑا ہو کر دین بھی نہیں لائے ہیں, ویسے ان کی حمایت کے اندر کھڑے ہوئے لیکن ایمان کی نعمت نہیں ملی. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مفت کے اندر دے دی, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. آج کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ادھر روک لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے حدیث.